हेलो बच्चों, आज हम थर्ड ईयर इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोबारा करने जा रहे हैं। आज आपको मैं दो क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जैसे इस लॉकडाउन में आप घर से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए मैं आपको क्लास बना के दे रहा हूँ, और आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए उसके चार्ज भी नहीं है। बट एटलीस्ट यार लाइक कमेंट तो कर दिया करो, शेयर तो कर दिया करो वीडियो को। और हाँ, अगर आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या फिर मेरी इंस्टा आईडी पर मैसेज कर सकते हो। आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा और जरूर आपको आंसर का रिप्लाई मिलेगा। ऐसा नहीं है उसको इग्नोर किया जाएगा, ठीक है? तो वीडियो देखो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करो, और शेयर भी करो ताकि कोई दूसरा बच्चा जो मेरे पास नहीं पढ़ता है, जिसके पास वीडियो नहीं है, वो भी पढ़ सके, उस चीज़ को समझ सके। ठीक है, चलो आते हैं टॉपिक पर। देखो, आज का आपका टॉपिक है वहनीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अंदर होता क्या है? अच्छा, एक छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे। जैसे आपने देखा होगा घर पे कि जब भी पानी का नल है खुला रह जाता है, तो घर वाले बोलते हैं नल बंद कर दो, पानी बह रहा है बेफालतू में। सरकार बोलती है कि पानी बेवजह फैलाओ मत, मतलब खराब मत करो पानी को। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर लगभग 75% पानी है, फिर भी लोग ऐसे बोलते हैं कि पानी वेस्ट मत करो, बहने से रोको, जल बचाओ, जल ही जीवन है, इस टाइप की बातें करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि 75% पानी जरूर है पृथ्वी पर, लेकिन उसका कुछ ही परसेंट पीने लायक है, पीने योग्य है, ड्रिंकेबल है। ठीक है, तो अब ये हालांकि पानी बहुत प्लेंटी, बहुत अधिक मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन जो पीने वाला पानी है वो लिमिटेड है। अगर हम उसे ऐसे ही वेस्ट करते रहेंगे, खराब करते रहेंगे, तो आने वाले टाइम में हमारे पास पानी की कमी हो जाएगी। और पानी की कमी हो जाएगी तो आपको पता है पानी महंगा बिकना शुरू होगा, फिर बाद में मिलना बंद हो जाएगा, फिर लोग प्यासे मर जाएंगे, ये पृथ्वी तबाह हो जाएगी। तो अब मैं आपको इतना लेक्चर क्यों दे रहा हूँ? ये लेक्चर जुड़ा है इस टॉपिक से। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या वहनीय विकास का मतलब क्या होता है? अपने प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सिस का, अपने सीमित संसाधनों का इस तरह से यूज करना ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसको यूज कर सके, इसका लाभ उठा सके, इसको देख सके। जैसे आज हमें पता नहीं है कि डायनासोर होते कैसे, होते थे कितने बड़े, होते थे क्या करते थे, क्यों? क्योंकि एक जमाने में वो गायब हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, तो सिर्फ हम उनको पढ़ते हैं, देखते हैं, और म्यूजियम में चलता पता कि ऐसे डायनासोर होते थे, इस तरह की हरकत करते थे, ऐसे घूमते थे, ऐसे चलते थे, ऐसे खाते थे, ऐसे पीते थे। कुछ ऐसा ही हो जाएगा अगर हम पानी या हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों को अनलिमिटेड खराब करेंगे। तो फिर क्या होगा? आपको एक पानी की बोतल मिलेगी म्यूजियम में रखी हुई कि ये पानी होता था, अनलिमिटेड मिलता था, लोगों ने खराब किया, लोगों ने वेस्ट किया, नेचुरल रिसोर्सेज थे, लोगों ने फुली यूटिलाइज कर लिए, ओवर यूटिलाइज कर लिए, जिसकी वजह से जो आज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट भी प्रेशर डालती है कि पेट्रोल यूज मत करो, पब्लिक व्हीकल यूज करो, जैसे बसेस होगी, ट्रेन होगी, इन चीजों की यूज करो, ताकि कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज खर्च हो और हम ज्यादा से ज्यादा बचा सके। ठीक है, अब देखो, ये तो था इसका मीनिंग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर वहनीय विकास क्या होता है? अपने प्राकृतिक सीमित संसाधनों का इस तरह से यूज करना ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी इसका लाभ उठा सके, इसे देख सके। ठीक है, अब आते हैं स्ट्रेटेजी, रणनीति, किस तरह से हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं। ठीक है, तो कुछ स्ट्रेटेजी तैयार की गई है गवर्नमेंट की तरफ से, सर्वे करके रिपोर्ट कुछ है जिसमें लिखा गया कि कैसे हम प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। देखो, आज के जमाने में आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, बड़े बड़े बांध बनते हैं, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसे कहते हैं जल शक्ति उपयोग। ठीक है, थर्मल, थर्मल और जल शक्ति उपयोग से इलेक्ट्रिसिटी बने जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना, तो देखो जैसे बांध है, बांध का पानी रोककर, किसी नदी का पानी रोककर बांध बनाया, ठीक है, फिर बांध से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी,
लेकिन वो बांध का पानी जब तेजी से छोड़ते हैं कहीं पे, तो जिस जमीन से वो होकर गुजरता है वो जमीन खराब हो जाती है, चाहे वो खेत हो चाहे वो कोई वैसी लैंड हो जो यूज ना हो रही हो, ठीक है, वो यूज ना होने लायक बन जाती है पूरी तरह से, ठीक है। दूसरी बात, और वो पानी अगर हम बांध बना के इलेक्ट्रिसिटी ना बनाने की जगह किसी अपने देश के लिए यूज करेंगे, अपने पृथ्वी के लिए यूज करेंगे, ठीक है, तो कई लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है। आज भी हमारे देश में कई जगह ऐसी है जहां पर पानी नहीं आता, लोग पानी के लिए तरसते हैं, गांव वगैरह में आज भी लोग कुओं से पानी भरते हैं और कुएं भी सूख चुके हैं, ठीक है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं दिन ब दिन। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको पानी नहीं मिल पाता खेती करने के लिए। अब देखो, कहने की बात है कि इतना इतना सारा पानी है दुनिया में, लेकिन हमारे पास पानी नहीं है। पानी इसीलिए नहीं है भाई, ये सीमित संसाधन है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, ठीक है। समुद्र का पानी यूज नहीं कर सकते आप, समुद्र का पानी पीकर बताना मुझे, फिर मैं पूछूंगा आपसे कि मैं सही कह रहा था गलत कह रहा था, ठीक है। तो देखो, थर्मल और जल शक्ति उपयोग हमें कम करना है, ठीक है। कम क्यों करना है? क्योंकि मैंने आपको एक रीजन तो बताया कि वो जमीनें खराब हो जाती हैं जहां पर पानी छोड़ा जाता है। दूसरा, CO2 रिलीज, मतलब जब भी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जनरेट करते हैं तो उससे गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और आपका पता है कि CO2 ग्रीन हाउस गैस होती है, जिससे अगर CO2 ऐसी भारी मात्रा में रिलीज होती रहेगी तो ये हमारी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाएगी, और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचेगा तो वहां छेद हो जाएगा, जैसे कि अभी है छेद वहां पे, ठीक है। और छेद हो गया, छेद बड़ा होता जाएगा तो जो सूरज की किरण है, सन रेज है, वो डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेगी और हमें कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इन चीजों को कम से कम यूज करो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, अच्छा, इसके अंदर हम इसे बचा कह सकते हैं, हम वायु शक्ति, वायु शक्ति मतलब पवन चक्की टाइप, आपने देखा होगा जिसे जिन एरिया में हवा तेज चलती है वहां पे पवन चक्की बना लेते हैं, पवन चक्की से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और गैस, ये सौर ऊर्जा, आपने देखा होगा कई सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर गांव वगैरह में सौर ऊर्जा यूज की जाती है, कांच की बड़ी बड़ी स्लेट बिछा रखी होती है बड़ी बड़ी, ठीक है। तो उन पे कहते हैं, वो सन की रेज, सूर्य की ऊर्जा सोखते हैं और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, ग्रामीण क्षेत्रों में LPG और गोबर गैस का प्रयोग, ठीक है। अब देखो, जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव के क्षेत्र है, वहां पर ना हमें लकड़ी को जलाने से और उपलों को जलाने से बचना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये पोल्यूशन फैलाते हैं। अब देखो, लकड़ियां जलाएंगे तो लकड़ी आएगी कहाँ से? लोग पेड़ काटेंगे तो पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन। और हाँ, उपले जलाएंगे तो उसकी धुआं जाएगी आसमान में तो एयर पोल्यूशन होगा। तो इससे बेटर है कि हम LPG यूज करें गाँव में, जैसे कि हमारे जो खाना बनाने वाले सिलेंडर होते हैं, ठीक है, LPG सिलेंडर होते हैं, उनको यूज करो, ना कि लकड़ी और उपलों को, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को, वो हमारे एयर पोल्यूशन के बड़े साथी होते हैं, ठीक है। तो उनको साथ तोड़ना है, हमको दोनों को अलग करना है, एयर पोल्यूशन होने से बचाना है। हम उनकी जगह पर LPG और गोबर गैस यूज कर सकते हैं, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में CNG, अब आपको पता है कि सरकार प्रेशर बना रही है या फिर सरकार ना लोगों को गाइड कर रही है कि ना आप पेट्रोल डीजल वगैरह कम यूज करो, CNG ज्यादा यूज करो अपने व्हीकल में। अब सरकार ऐसा क्यों बोलती है? सरकार ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि पेट्रोल और ये डीजल आपके लिमिटेड एक तो सोर्सेज है, ठीक है। दूसरी बात, ये पोल्यूशन बहुत फैलाते हैं, और CNG है, CNG तो गैस है, गैस तो वायुमंडल में पूरी तरह से भरी हुई है, तो उसको कंप्रेस्ड करके, उसको संपीड़ित करके CNG बनाते हैं। CNG स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो इस गैस को यूज करते हैं हम अपनी गाड़ियों में, व्हीकल्स में, मेनली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि एक तो ये अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड इन द सेंस ऑफ उनसे ज्यादा है बाकी सोर्सेज से, ठीक है। दूसरा कि इससे एयर पोल्यूशन ना के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु शक्ति, वायु शक्ति मींस जो हमारे जिन एरिया में मैंने बताया आपको कि वायु तेज गति से चलती है, तो वहां पे उसको वायु को यूज करके पवन चक्की पे लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा हो डेनमार्क, डेनमार्क के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पवन चक्की है, वहां पे ना पेट्रोल डीजल ना के बराबर यूज होते हैं, सिर्फ पवन चक्की से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं वो, ठीक है। अब इससे होता क्या है,
हालांकि पवन चक्की लगाने में आपकी लागत ज़्यादा आती है, लेकिन हाँ वो सिर्फ यार वन टाइम एक्सपेंस है, वो कोई एक्सपेंस बार बार नहीं करना होता आपको। आपने एक बार एक्सपेंस कर दिया, पवन चक्की लगा दी, बात खत्म, अब आप हमेशा के लिए फ्री हो चुके हैं, ठीक है, खाली मेंटेनेंस करनी होती है उसकी। फिर देखो पवन चक्की आपने लगाई, लागत भले ही ज़्यादा आ रही है उसकी, लेकिन हाँ फायदे लागत से ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ तेज हवा आती है, वो पवन चक्की घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो आपका एक बार जो एक्सपेंस हुआ हो गया, अब आपको बार बार एक्सपेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जैसे मैंने आपको बताया कि सोलर एनर्जी मैंने बताया, देखो आपने देखा होगा ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में क्या होता है। गांव के अंदर जो खेत होते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े कांच की प्लेट बिछी होती है बहुत सारी, अगर आपने देखा हो तो, ब्लैक कलर की, ठीक है, उस पर कुछ लाइनें लगी होती है, कुछ मशीन लगी होती है। तो वो क्या करते हैं मेनली, वो सूरज की रोशनी, सूरज की ऊर्जा अब एब्जॉर्व कर लेती है, सोख लेती है और उसको इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। और शहरों के अंदर क्या होता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं या फिर कोई लोग आजकल अपने घरों के ऊपर भी बनाने लग गए हैं सौर ऊर्जा सोखने की मशीनें, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी वहीं से मिल जाती है, कि अलग से प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे कि वाटर सेव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लघु जलीय प्लांट। अभी देखो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया था कि जो प्लांट पानी से रिलेटेड होते हैं उन्हें ना के बराबर यूज करो या बहुत कम यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे पानी खराब होता है और वो जमीन खराब होती है जहाँ पे वो पानी का बहाव जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि लघु जलीय प्लांट बनाओ आप, लेकिन देखना इसके अंदर क्या है। यहाँ पे है झरनों से ऊर्जा। अब देखो झरने होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं, वो कोई इंसान जैसे हम बांध बनाते हैं ना, वो झरने ऐसे नहीं बनते, झरने अपने आप बनते हैं। जो झरने काफी ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, वहां से जो पानी नीचे गिरता है तो बड़ी तेजी से गिरता है, उन झरनों को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं छोटे मोटे जलीय प्लांट लगाकर, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ना उससे पानी खराब भी नहीं होगा, क्योंकि वो हमने कोई आर्टिफिशियल काम नहीं करा, वो नियर नेचुरल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, जैविक कीट नियंत्रण। अब देखो यहां पर क्या होता है, किसानों की फसलों को बचाने के लिए हम यहाँ पे जैविक कीट नियंत्रण का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे कीटनाशक दवाइयाँ हो गई, ठीक है, कीटनाशक दवाइयाँ जब खेतों में डालते हैं, फसलों में डालते हैं, तो उससे क्या होता है, जो अनचाही कीट होती है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो फसलों को खराब करते हैं, ठीक है, वो मर जाते हैं, जिससे कि किसान की फसलें सुरक्षित रहती है, और किसान की फसलें सुरक्षित हैं तो किसान कभी आत्महत्या करने की सोचेगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, पारंपरिक ज्ञान व व्यवहार। अब आपको पता होगा कि मॉडर्नाइजेशन, शहरीकरण कह लो, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसके अंदर हम अपनी पुरानी पारंपरिक चीजें भूलते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई बार प्रकृति, नेचर नेचर हमें उस मोड़ पे लाके खड़ी कर देती है जहाँ पे हमें वापस मूव करना पड़ता है। जिससे कोरोना महामारी आई है हमारे देश के अंदर, हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में आई है, उसमें अब देखो लोग लो क्या कर रहे हैं, जो लोग शहरों में काम करते थे, शहरों में रहते थे, वो धीरे धीरे गांव की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अब होता क्या है, जैसे कुछ चीजें हमारी पारंपरिक होती है, हमें उन्हें यूज करना चाहिए, उसका बेनिफिट उठाना चाहिए, जैसे पारंपरिक कृषि व्यवस्था। हम आजकल कृषि करने के लिए नई नई मशीन यूज कर रहे हैं, फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पारंपरिक तरीके थे वो बिल्कुल प्योर थे, नेचुरल थे, वहाँ पे कोई फालतू चीज़ यूज नहीं होती थी, जो भी चीज़ थी वो नेचुरल होती थी, प्राकृतिक होती थी, जिससे कि लोगों का स्वास्थ्य बना रहता था, लोग काफ़ी एज तक, लंबे लंबे समय तक जीवित रहते थे, अच्छा खाते थे, अच्छा पीते थे, अच्छे रहते थे, ठीक है। आजकल क्या है, सब कुछ केमिकल से बन रहा है, जिसकी वजह से लोग कई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं और बीमार पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं हम हेल्दी खाना खा रहे हैं, लेकिन हाँ डीप इनसाइड हम केमिकल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ठीक है। स्वास्थ्य, आपको पता ही है कि आयुर्वेद में हमारा भारत बहुत आगे है, ठीक है, हमारे भारत में आयुर्वेदिक दवा काफ़ी मायने रखती है, ठीक है। हालांकि हम बाकी दवा का यूज़ भी करते हैं, जो
केमिस्ट वगैरह मिलती है, लेकिन जो आयुर्वेदिक चीज़ होती है वो हमारे शरीर को भले ही थोड़ा देर से बेनिफिट पहुंचाती है, बट वो बेनिफिट परमानेंट होता है। वो बीमारी बहुत कम चांस होते हैं कि आपको दोबारा लग जाए जिसका आपने आयुर्वेदिक इलाज कराया है। ठीक है, नेक्स्ट आवास परिवहन। देखो गांव के जो ट्रांसपोर्ट होते थे पहले, जैसे बैल होगी या कुछ भी ट्रांसपोर्ट हो गए, वो भले ही स्लो मूविंग ट्रांसपोर्ट थे बट हाँ उनसे कोई पोल्यूशन नहीं होता था, कोई एक्सीडेंट नहीं होते थे, किसी को नुकसान नहीं होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, पोल्यूशन इतना हो चुका है कि लोगों की एज, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो जीवन यापन उम्र होती थी, आयु होती थी, वो काफ़ी घट चुकी है। ठीक है, ऐसा पुराने जमाने में नहीं होता था क्योंकि वो पारंपरिक तरीके इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आज की क्लास का आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूँ। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको और कराने जा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, और उस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको बाकी क्वेश्चन इजिली समझा दूंगा। ये समझ लो कि वो आपकी नींव है और बाकी क्वेश्चन फ्लोर से। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनांकीय परिवर्तन सिद्धांत, डेमोग्राफिक प्रिंसिपल। अब देखो मेनली इस क्वेश्चन के अंदर आपको रीड क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर हम रीड करेंगे कि पॉपुलेशन किन स्टेजों में बढ़ती है, किस टाइप से पॉपुलेशन आगे बढ़ती है और किस तरह की पॉपुलेशन को अलग अलग स्टेज में बांटा जाता है। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट स्टेज में रखा जाता है बी बर्थ रेट, बी आर स्टैंड फॉर बर्थ रेट, डी आर स्टैंड फॉर डेथ रेट, जन्म दर बर्थ रेट, मृत्यु दर डेथ रेट। ठीक है, अब देखो होता क्या है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेज, फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया जिस स्टेज पर 1920 से 1930 में था, या 1920 के बाद बोल लो आप। ठीक है, आपको याद होगा जैसे अभी 2020 में जो कोरोना बीमारी, कोरोना महामारी, ठीक है, कोरोना एपिडेमिक हम सामना कर रहे हैं, हमारा पूरा वर्ल्ड सामना कर रहा है। ठीक है, उस टाइप की बीमारी 1920 में भी आई थी, आई थिंक स्पेनिश फ्लू नाम था उसका। ठीक है, तो अब देखो उसे हम बोलते हैं कि 1920 में एक बड़ी महामारी आई थी जिसकी वजह से हुआ क्या था। पहली बात तो हमारा देश उस टाइम पे अल्प विकसित था, हाँ उस समय पे हमारा देश अल्प विकसित था, तो अल्प विकसित था तो लोगों में शिक्षितता कम थी, जागरूकता कम थी, तो उस टाइम क्या होता था, एक ही घर में कई सारे बच्चे होते थे, अनेक बच्चे होते थे, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं थी, लोगों में समझ नहीं थी कि ज़्यादा बच्चे देश के लिए, परिवार के लिए बोझ होते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे जो बर्थ रेट थी, हमारी जन्म दर थी, वो तेजी से बढ़ रही थी, बहुत तेजी से हम आगे ऊपर की तरफ जा रहे थे जनसंख्या के मामले में। ठीक है, लेकिन एक तो महामारी 1920 में, ठीक है, दूसरी बात उस टाइम पर हमारे देश में मेडिकल फैसिलिटी भी इतनी अवेलेबल नहीं थी, पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हैं क्योंकि वर्ल्ड भी उस टाइम पे काफी पीछे था, हम कुछ ज्यादा पीछे थे। ठीक है, तो उस टाइम पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, दूसरी बात ये महामारी फैल रही थी जिस वजह से क्या होता था कि लोग एक अपनी एवरेज एज जी नहीं पा रहे थे, उस टाइम पे एवरेज एज बहुत ज्यादा घट चुकी थी खासकर इंडिया में। ठीक है, तो एक एवरेज एज, ठीक है, जैसे हम एक औसत उम्र जी रहा बंदा, तो वो एज काफी घट चुकी थी, वो काफी नीचे आ चुकी थी, उस टाइम पर बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे या कुछ ज्यादा एज नहीं जी पाता था क्योंकि बीमारी फैल रही थी, कम एज में ही लोग मर रहे थे काफी ज्यादा। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, डेथ रेट भी तेजी से बढ़ गई। अब देखो बर्थ रेट बढ़ रही है, डेथ रेट भी तेजी से बढ़ रही है, होगा क्या कि जनसंख्या एक तरह से स्थिर हो जाएगी, बल्कि इसे कहते हैं 1921 में, 1921 को कहा गया था आपका पीरियड ऑफ ग्रेट डिवीजन, पीरियड ऑफ ग्रेट डिवीजन मतलब हमारे इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारी जनसंख्या, पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय घटी थी, क्योंकि जन्म दर तो तेजी से थी, बर्थ रेट उससे भी ज्यादा तेज हो गई थी, सॉरी बर्थ रेट, जन्म दर तेजी से बढ़ रही थी, डेथ रेट उससे ज्यादा तेज थी, तो जिस वजह से क्या हुआ कि पॉपुलेशन
बढ़ने के बजाय इतिहास में पहली बार घटी थी उस टाइम पर। अब अगर डाटा कलेक्ट करोगे तो जितना मैंने सुना है, मैंने न्यूज़ वगैरह में या नेट वगैरह पर सर्च किया है, देखा है कि खाली इंडिया के अंदर 5 करोड़ लोग मरे थे उस टाइम पर। ठीक है, तो आप देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग मरे हैं। ठीक है, तो ये ईयर 1920 के बाद का जो टाइम था, 1921 में तो हमारी आबादी बढ़ने की वजह घटी थी, इस साल इन सालों में बर्थ रेट तेज थी, डेथ रेट उससे भी ज़्यादा तेज थी। ठीक है, तो पॉपुलेशन स्थिर थी। और ऐसा कहाँ पर होता है? जो देश अल्प विकसित होता है, जो अर्थव्यवस्था अंडर डेवलप होती है। ठीक है, सेकेंड स्टेज पर बर्थ रेट तेजी से बढ़ती है। देखो, सेकेंड स्टेज मतलब हम अंडर डेवलप से डेवलपिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, लोग एजुकेटेड तो प्रॉपर नहीं है, जागरूक नहीं है, तो आबादी तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, क्योंकि वहां ना लोगों में जागरूकता का अभी भी जागरूकता की अभी भी लोगों में कमी है। ठीक है, लेकिन डेथ रेट तो बढ़ रही है, लेकिन धीमी गति से बढ़ रही है काफी। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि देखो, देश धीरे धीरे विकास की तरफ जा रहा है, तो मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो रही है, लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते, अच्छा रहते हैं, जिससे क्या हुआ, डेथ रेट कम हो गई। हालांकि अब ऐसा नहीं कि डेथ होना बंद हो गई, डेथ तो हो रही थी लेकिन पहले से कम हो रही थी। जितने लोग पहले मरते थे अब उससे कम लोग मरना शुरू लग गए, लेकिन हाँ, मर्त तो तेजी से हो रहा है, जन्म तेजी से हो रहा है, जिसकी वजह से इस स्टेज पर, सेकंड स्टेज पर पॉपुलेशन का विस्फोट होता है, जनसंख्या का विस्फोट होता है। जनसंख्या का विस्फोट का मतलब है आबादी काफी तेजी से बढ़ती है। जैसे कि आप भारत के अंदर देख सकते हो, हमारा भारत अभी विकासशील देश है, हमारे भारत के अंदर आबादी बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। ठीक है, आज के टाइम पर हमारी आबादी लगभग 135 करोड़ के आसपास है, जो कि काफी ज्यादा है, मायने रखती है। देश का इंडिया और चाइना मिला के करीब करीब 50% के आसपास आबादी है वर्ल्ड की। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, देखो अब यहाँ पर थर्ड स्टेज पर लोग शिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, अवेयर होते हैं, जागरूक हो जाते हैं। ठीक है, इस स्टेज पर आते आते जिस वजह से होता है, अब देखो ऐसा नहीं कि जागरूक होने का मतलब बच्चों ने जन्म लेना छोड़ देंगे, बच्चे जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, लेकिन हाँ, जो इनकी बर्थ रेट होती है काफी धीमी होती है। क्यों? हर किसी को पता होता है कि हम दो हमारे दो बच्चे, जितने कम से कम होंगे उतने बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आबादी तेजी से नहीं बढ़ती, तो बर्थ रेट बढ़ रही है लेकिन धीमी गति से। और हाँ, आपको पता है, डेवलप हो रहे हो तो आपके हर तरह के रिसोर्सेज होंगे, प्राकृतिक प्राकृतिक रिसोर्सेज भी होंगे आपके पास, और हाँ, मेडिकल फैसिलिटी होगी, अच्छा खान पान, अच्छा रहन सहन, हर चीज आपका अच्छी होगी, हॉस्पिटल अच्छे होंगे, तो आपकी जो डेथ रेट है ना वो भी बहुत धीमी गति से बढ़ती है। बर्थ रेट भी कम हो जाती है और डेथ रेट भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल होती है। आप देखना, जितने भी डेवलप्ड नेशन है उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे लोग समझदार हो चुके हैं, वहां पे फैसिलिटी मेडिकल अच्छी आ चुकी है, तो लोग एक तो कम कम लोग जन्म लेते हैं कम गति से, और कम गति से लोगों का निधन होता है, मृत्यु होती है। ठीक है, तो दोनों कंट्रोल होते हैं। और ऐसा कहां पर होता है? ऐसा होता है डेवलप्ड इकोनॉमी में। ठीक है, तो आज के लिए हमारे लिए इतना काफी है। मैं आपसे एक बार फिर कहूंगा कि अगर किसी बच्चों को डाउट आता है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत जल्दी करा दिया, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप इसे फॉलो कर सकते हो, और मुझे मैसेज करोगे आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, पक्का मिलेगा 100%। ठीक है, आज के लिए काफी हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो यार, कोई चार्ज थोड़ा लग रहा है आपका, कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।